सकते हैं इस तरह का पूरा बहुत ज़्यादा भीड़ है, पूरा इधर दुकान वगैरह लगा हुआ है, स्टॉल, ये पूरा मेला लगा है, इसमें इस तरह का भीड़ है और इस बार बहुत ही ज़्यादा भीड़ है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज है संडे और कल है मंडे, तो कल हम लोग जाने वाले हैं कैलाश गुफा जल चढ़ाने के लिए। जैसे कि सावन का महीना चल रहा है तो भोलेनाथ को जल चढ़ाने के लिए जाते हैं हर बार, तो इस बार भी जाना है कैलाश गुफा, तो कल जाना है सुबह, कल सोमवार है। तो अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों सोने के लिए, मिलता हूँ मैं आपसे सुबह। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो कैसा है आप लोग? तो दोस्तों मैं अभी जा रहा हूँ बतौली, और बतौली में वेट कर रहे हैं वैभव भैया मेरा, क्योंकि वहीं से अपन निकलने वाले हैं कैलाश गुफा। और मेरे पीछे आप व्यू देख सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत सा, बहुत बवाल मौसम हो रखा है भाई, आज पूरा कोहरा ही कोहरा है और बहुत खूबसूरत लग रहा है यार, देखने में मज़ा ही आ जा रहा है। मैं दिखाता हूँ आपको सामने। तो गाइस पहुंच चुके हैं यहाँ, और देख सकते हैं इधर छुप रहे हैं हमारे ब्लॉगर भाई, और इधर हमारे रूप भैया हैं, बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं कैलाश गुफा, और मैं अभी हूँ बतौली में रूप भैया के यहाँ, तो मिलो रूप भैया से, और अभी इन्हीं के रूम में हैं, और यहाँ से जाने वाले हैं वैभव भैया जी के साथ। अब देख रहे हो भगवा वाला सांफी लगा के तैयार हो चुके हैं, बहुत ही माहौल। तो आज जल चढ़ा के आएंगे हम लोग भोलेनाथ को, भोलेनाथ की सेवा में जा रहे हैं भैया एकदम। कैलाश गुफा को मिलते हैं कैलाश गुफा में, पहले बीच में रुकेंगे कहीं कहीं होगा। दोस्तों ये देखिए अभी बच्चे लोग सुबह सुबह जा रहे हैं स्कूल, तैयार होके मस्त एकदम। तो ये देखिए ये लोग सब प्राइवेट स्कूल वाले हैं लग रहा है, और हम लोग अभी निकल रहे हैं कैलाश गुफा के लिए, रास्ता में सब तैयार हो गए हैं। कभी हम भी जाते थे इसी तरह से स्कूल, और भाई आज का जो मौसम है कतई तबाही वाला मौसम है, तो चलिए आपको दिखाते हैं नज़ारा। हम लोग अभी आए हैं दुकान में यहाँ पर बुलबम वाला टी शर्ट देखने के लिए, और टी शर्ट लेंगे अभी पहनेंगे उसके बाद चलेंगे। तो यहाँ पे अभी छांट रहे हैं, बहुत सारा टी शर्ट है बुलबम का, तो वो देख रहे हैं, देखते हैं कौन सा पसंद आ रहा है। गाइस यहाँ बहुत सारा पड़ा हुआ है, ये अच्छा लग रहा है, ये गंजी है टी शर्ट, तो यहाँ बहुत सारे टी शर्ट हैं और पसंद कर रहे हैं हम लोग एक दो। दोस्तों हम लोगों ने फाइनली टी शर्ट ले लिया और चेंज भी कर लिए हैं, अब बस यहाँ से निकलना है कैलाश गुफा की ओर, और उससे पहले नाश्ता वगैरह कर लेता हूँ, क्योंकि मैं सुबह से जो निकला हूँ कुछ नहीं खाया हूँ, बस ब्रश करके नहा धोवा के निकल गया, यहीं आके नाश्ता वगैरह करूँगा सोचा, तो नहीं किया हूँ, तो चलते हैं नाश्ता करने। अभी लोग जा रहे हैं बोलबम, तो इधर ये सब अभी कांवड़ यात्रा के लिए जल चढ़ाने कैलाश गुफा जा रहे हैं। बाकी ये देखिए और भी अभी बहुत यात्री आएंगे, तो सब आ रहे हैं के पीछे से महाकाल और सर पे पगड़ी हमारे वैभव भैया। तो देख रहे हो ना कतई चटका रहे हैं ये भाई। तो चलिए पहले नाश्ता करते हैं गाइस, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से, और देखिए सब यहाँ पे बोलबम जाने के लिए आ रहे हैं। ये हमारा कैलाश गुफा जाने का मेन रास्ता है, इसी में जाना है। तो शाही और समोसा वगैरह है गरम गरम, और यहीं पे अभी नाश्ता लेते हैं,
चटनी और छोला बना है, ये दीजिए। तो हमारा समोसा आ चुका है, खाते हैं और उसके बाद निकलेंगे। तो नाश्ता तो हो गया, अब फाइनली यहाँ से निकलेंगे अपन कैलाश गुफा के लिए। और ये महाकाल का टी शर्ट कैसा लग रहा है कमेंट करके एक बार ज़रूर बताइएगा। और हम लोग निकलने वाले हैं अब अपनी यात्रा के लिए, तो चलते हैं सीधा जल चढ़ाने हर महादेव।